और दोस्तों सभी लोगों को राम राम, सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप गाड़ी को देख रहे हैं, खुली हुई पड़ी हुई है पूरी गाड़ी, क्यों उधरी हुई पड़ी है कारण आप जानना चाहेंगे। तो जैसा कि हम आपको गाड़ी का कारण दिखा रहे हैं, आप अंदर से छत देखिए, पूरी गाड़ी काली हो रखी है। इसकी एक एक सीट और पूरा अंदर का एक इंटीरियर सब में कालो छा चुकी है। तो गाड़ी के अंदर काला धुआं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी के अंदर धुआं कहाँ से आ रहा है, इतना कालापन इसमें गाड़ी में कहाँ से आ रहा है ये समझ में नहीं आया। तो इसलिए हमने पूरी गाड़ी हमने इलेक्ट्रिशियन साहब से हमने पूरी खुलवा रखी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी पूरी खुली हुई है, लेकिन अब तक इस चीज़ का समाधान नहीं मिल पाया कि ये गाड़ी में धुआं कहाँ से आ रहा है। तो जैसा कि आप देखिए कंडीशन आप देख सकते हैं कितना कालापन है इस गाड़ी के अंदर। और इसको पूरा साफ करवाया था, तुमने साफ करवाया था, तो जब तुमने साफ करवाया उसके बाद तुमने जो एयर फिल्टर नया लगाया था उसकी कंडीशन कैसी हुई थी? बिल्कुल ब्लैक, पूरी ब्लैक हो गई थी ना। एयर फिल्टर है तुम्हारे पास? फेंक दिया। वो तो आप कंडीशन देख ही सकते हैं, पूरा कालापन है इसमें गाड़ी में। और पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको उसको दिखाते हैं ये कालापन आ कहाँ रहा है। तो अगर आपको चैनल में वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जब तक कर सकते हैं, पूरा वीडियो आओगे आपको मिलेगा। अंदर की जो सफाई के लिए जो कालोच है, मिस्त्री साहब धर्मेंद्र कुमार जी ये वैक्यूम लेकर के आए हैं और इसको सफाई करेंगे। जो कालोच है उसकी वो निकालेंगे वैक्यूम से। तो भाई अभी आप क्या कर रहे हो इसमें? मैं वैक्यूम कर रहा हूँ, सफाई हो जाएगी, सारी गंदगी भर हुई है इसके अंदर। अच्छा, तो ये सारी गंदगी आप इससे वैक्यूम से साफ करेंगे? वैक्यूम से साफ हो जाएगी। ठीक। तो भाई आप ये बताओ कालोच वगैरह सब आगे से आ रही, पीछे डिग्गी क्यों खोल ले आप? ये बैक में से वैक्यूम होगा ना, साइलेंसर जो अंदर से आ रही है, मतलब साइलेंसर के अंदर से, बम्पर के अंदर से बैक होकर जो अंदर से जा रही है वैक्यूम। अच्छा जी, तो ये जो सारा मतलब बैक होकर के धुआं आगे जा रहा है गाड़ी के अंदर। चलिए देखते हैं। ये क्या सब्सक्राइब हुए लड़का, पकड़ लूंगा ओड़े कैमरा पकड़ा के लगा रहे। ओफो, ओ भाई साहब, जैसे देखिए आप अंदर से देखिए कितना काला हो रहा है, कंबल अंदर से पूरा काला रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। गाड़ी अंदर से काली हो रही है, लेकिन फोल्ट आप देखिए कहाँ से निकल के आ रहा है, डिग्गी के पीछे से बिल्कुल अंदर से ये फोल्ट निकल के आ रहा है। मैं दावा करता हूँ कि नोएडा के मुकेश चंद गौड जी भी इस चीज़ को, फोल्ट को शायद ही पकड़ पाएँ। उनको मैं वीडियो में टैग करूँगा। ओ माई गॉड, पूरा कम्बल अंदर से आप देख, जैसा कि देख सकते हैं कितना काला हो रहा है, पूरे हाथ काले हो रहे हैं और कार्बन ऊपर से भी दिख रहा है, देखिए कितनी कालो जमा है अंदर, आप बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं। नोएडा के मुकेश चंद गौड़ जी भी इस चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे, दावा करते हैं इस वीडियो में। भयंकर भाई साहब काला हो रहा है ये तो। ओ यार, ये छेदों में से आ रहा है साला निकल गया। ओ माय गॉड, पूरी ट्रे भाई साहब देख कि देखो बिल्कुल काली हो रखी है, भयंकर काली हो रखी है। कंबल भयंकर काला हो रखा है अंदर से, पीछे से पूरा, हालांकि काला है कंबल लेकिन जो अलग से स्मोक दिख रहा है वो अलग से काला दिख रहा है। ओहो भयंकर काला। इस गाड़ी को देवेंद्र भैया चलाते थे, तो देवेंद्र भैया जब घर पे जाते तो आपकी मैडम क्या बोलती थी आपसे? कारखाने में काम करके आ रहे हो या लेट के आते हो? मतलब लेट के आते हो, मतलब गाड़ी चला रहे हो या कारखाने में काम करके आ रहे हो, इतना मतलब आप काले हो जाते थे जब जाते थे। आप जैसा कि अंदर की कंडीशन देखिए, पूरा अंदर कितना भयंकर तरीके से पूरी गाड़ी में पीछे डिग्गी में कार्बन ही कार्बन है, काले रंग का ये जो कि ये साइलेंसर से धुआं निकलता है, वो सारा धुआं आप पूरे डिग्गी के अंदर देखिएगा। इस तरीके का जो फोल्ट है अब तक किसी भी आप YouTube में देखिएगा, इसमें इस तरीके की कोई वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगी। और कई मेरे भाई जो परेशान होंगे इस तरीके की प्रॉब्लम से, ऐसा तो नहीं है कि मैं ही परेशान हूँ, कई लोग और भी परेशान होंगे जो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो इसका ये निजात आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी कार्बन है, भैया साफ कर रहे हैं इसको। वैक्यूम से जो काराउच है अंदर की सारी सफाई हो रही है, भयंकर जो काराउच है पूरी वैक्यूम से साफ किया जा रहा है उसको, और जितनी भी काराउच है सारा वैक्यूम इसको खींच लेगा। तो गाड़ी के अंदर भैया वैक्यूम चल रहा है इसमें, और गाड़ी के अंदर जो देखिए बहुत ही धूल लकड़ कूड़ा करकट काफ़ी अंदर से निकल रही है, काफ़ी भयंकर तरीके से जो गंदगी है वो निकल रही है गाड़ी के अंदर से। बहुत ही भयंकर धूल और काफ़ी गंदगी, वैक्यूम करने के बाद हमें अलग से ये एयर का प्रेशर लगवाना पड़ रहा है। भयंकर कारोच के साथ एयर प्रेशर, काफ़ी धूल और काफ़ी कारोच एयर प्रेशर के माध्यम से निकाला जा रहा है।
कारवाच अलग से छुड़ाई दे रही है। तो इस हाँ इस के थ्रू ऊपर आ रहा था, ऊपर से अंदर से जाता हुआ वो अंदर आ रहा था। तो इसमें जो साइलेंसर जो नीचे दिया हुआ है, इसमें जो धुआं मतलब बाहर फेंकता है, बम्पर के अंदर घुस चुका था साइलेंसर, टकरा था। अच्छा, साइलेंसर टकरा के बम्पर के अंदर घुस गया था, तो वो जो धुआं है वो इन छेदों के कारण से आ रहा था, अंदर जा रहा था ये छेद और ये सब अंदर से, पूरी फिटिंग के अंदर से ये अंदर तक जा रहा था, ये कारण था। चलिए।